Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ये उस्मान है ना आपा, लेकिन असल में ये उस्मान नहीं, तलाल है जी। तलाल रबिया बाजी का मुंह बोला भाई। मैं बताता हूं खावर भाई, मेरे घर वाले और रबे बाजी के घर वाले पड़ोसी थे। रबे बाजी मुझे पढ़ाती भी थी और हमेशा उन्होंने मुझे अपने छोटे भाई जैसा समझा। फिर हम लोग मुल्क से बाहर चले गए। मैं स्टेट से वापस आया हूं तो मैंने इनको तलाश किया। आप वही गए हुए, इन्होंने मुझे सारी स्टोरी जो जाहिद ने इनको बताई थी वो सुनाई। तब मैंने फैसला किया कि मेरी बहन के साथ हुई हर ज्यादती का बदला मैं जरूर लूंगा। तब मैं जवेरिया से मिला। मैंने जवेरिया के साथ वही खेल खेलना शुरू किया जो ये राबिया बाजी के साथ खेल रही थी, और ये मेरी बातों में आ गई। जवेरिया, आई विल वेट फॉर योर कॉल। जानती हैं जवेरिया, आपकी आंखें बिल्कुल आईने की तरह, जो भी दिल में होता है बता देती है। इसीलिए मुझे बहुत प्यारी लगती हैं आपकी आंखें। आपकी आंखें तो ऐसी हैं जिन्हें देखते ही रहो तो जिंदगी खत्म हो जाए। राबिया पहले भी अच्छी है। आप अपनी गलती सुधारने के बजाय आपने राबिया जैसी शरीफ लड़की पे इल्जाम लगाने की कोशिश की। शर्म आती है मुझे, शर्म आती है आपको अपनी बहन कहते हुए। चली जाइए आप यहां से, मेहरबानी करके चली जाइए, और इतनी दूर चली जाए कि हम आपके पास भी आना चाहें तो ना आ सके। तो जाहिद का शुक्रगुजार हूं कि इसने हमारा घर टूटने से बचा लिया। अल्लाह ताला ने तलाल की सूरत में एक फरिश्ते को भेज दिया। अब चाहिए प्लीज। जवेरिया, माफ कीजिएगा,
आपकी इस हरकत का मेरे पास कोई और दूसरा जवाब नहीं था। उस्मान, तलाल, तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते कि मैं जानते कि जीशान ने मेरे साथ किस तरह से धोखा किया और मैं इन सब चीजों का बदला राबिया से लेने लगी थी, लेकिन उस्मान, तलाल, तुमसे तो मैंने मोहब्बत की, तुम्हारी आंखों में पागल हो गई थी मैं तुम्हारी मोहब्बत में। मोहब्बत? मेरे ख्याल में जवेरिया आप मोहब्बत का मतलब भी नहीं जानते। मोहब्बत तो वो खूबसूरत जज्बा है जिसमें इंसान का दिल मोम की तरह नरम हो जाता है। मोहब्बत में तो इंसान किसी दूसरे के साथ बुरा करने का सोच भी नहीं सकता। मैं आपको बताता हूं कि आपकी असल मोहब्बत क्या है। आपकी असल मोहब्बत आपकी औलाद है जिसे आप कहीं दूर पीछे छोड़ आई हैं। खुदा के लिए जवेरिया, मोहब्बत को यूं दर दर तलाश मत कीजिए। मोहब्बत आपके अंदर मौजूद है। यही मेरा सही रास्ता था। जब ही तो मेरे कदम मुझे इस दर पे ले आए। मगर तुम तो इस दर को बहुत पीछे छोड़ गई थी जवेरिया। आज अचानक तुम्हारे कदम इस तरफ क्यों निकल पड़े? शायद हर तरफ से धुतकारे जाने के बाद। इस दर को मैंने पार तो कर लिया था लेकिन जिस जिंदगी के लिए मैंने वो भयानक गलती की उस जिंदगी से तो मेरी कभी मुलाकात हुई नहीं। ऐसा ही होना था तुम्हारे साथ। तुमने गलती ही ऐसी की तो किया। लेकिन मुझे अफसोस इस बात पर है तुमने अपने बच्चों के बारे में जरा सा भी नहीं सोचा कि कितना बिखरे होंगे वो, कितना रोए होंगे अपनी मां के लिए, कितना तड़पे होंगे। उन्हें क्या उन्हें मां याद नहीं आती होगी? जवेरिया, अफसोस तुमने कुछ भी नहीं सोचा अपने बच्चों के बारे में। मैं जानती हूं कि आपको मुझसे ऐसी नफरत होगी जिसे दुनिया का कोई जज्बा खत्म नहीं कर पाएगा और मैं काबिल भी ऐसी नफरत की हूं। मैं ये नहीं चाहती हूं कि आप मुझे माफ करें लेकिन फिर भी मैं आपके सामने हाथ छोड़ती हूं। शायद आज मैं इसीलिए इस तरफ आ गई कि आपसे माफी मांग लूं, वरना तो मुझे ये मौका कभी भी नहीं मिलना था। मेरे बच्चे भी मुझसे इतनी नफरत करते होंगे। बदनसीब, उन्हें मां भी ऐसी मिली जिसे मां का मतलब ही नहीं मालूम था। जवेरिया, कहाँ जाओगी जवेरिया?
अगर कभी तुम्हारे बच्चों ने अपनी माँ को देखना चाहा तो कहाँ भेजूं उन्हें? किसी भी कब्रिस्तान में उन्हें किसी ऐसी कब्र के सामने ले जाके खड़ा कर दीजिएगा जिस पे कोई निशान ना हो, और कह दीजिएगा कि यही है तुम्हारी माँ जो बिना मर गई। रुको जवेरिया, कहाँ जाओगे इस वक्त? इस वक्त तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम इस वक्त यहां से जाओ। देखो जवेरिया, मेरी ये ख्वाहिश है कि इस वक्त तुम यहीं रुक जाओ। बेशक हमारे दरमियान अब कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा, लेकिन तुम एक दिन के लिए यहां रुक जाओ। ये घर मुझे क्यों पन्ना देगा अल्ताफ? मैंने इस घर को क्या दिया है? इस घर की तो बेजान चीजें भी मुझसे नफरत कर है कि वो तुम्हें मेहमान बनाकर जरूर रोक लेंगे। एक दिन रुक जाओ जवेरिया, तुम्हें काफी सजा मिल चुकी है। रुक जाओ। सॉरी खबर भाई, मैंने अपनी बहन के लिए आपकी बहन को धोखा दिया, लेकिन एक बात तो फैक्ट है कि राबिया बाजी आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं, और आप दोनों का घर बचाने के लिए मैं इससे भी आगे जा सकता हूं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे अपने अपनों के दुश्मन बन जाते हैं। बाजी ने जो कुछ किया ये उनकी नफरत की इंतहा थी, और तुमने जो कुछ किया शायद तुम्हारी तुम्हारी बहन से मोहब्बत की इंतहा। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन खबर भाई मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, प्लीज राबिया बाजी को इग्नोर मत कीजिए। वो आपसे और सिर्फ आपसे ही मोहब्बत करती हैं। देखिए खबर भाई, मुखलिस रिश्ते अल्लाह ताला की नेमत होते हैं। एक दफा हम सारी जिंदगी ही इनका इंतजार करते रहे। आइए बहना, आइए। कहाँ थी आप? मैं तुम्हारे लिए बिरयानी बना रही थी। तुम शौक से खाते हो ना? हाँ शौक से खाता हूँ, लेकिन मुझे तो भी जाना है। अरे जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? वापिस तो जाना है ना बाजी, जिस काम से आया था वो भी हो गया, और जिस काम का बेड़ा उठाया था वो भी हो गया। Now back to Pavilion। बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते, कुछ दिन तो हमारे साथ रहना होगा। नहीं बाजी जरूर रुकता, लेकिन आप तो जानती हैं कि मैंने अपनी बीवी के बारे में मशहूर कर दिया था कि खुदा ना खास्ता वो मुझे छोड़कर चली गई है, लेकिन उसके डेली फोन आते हैं और वो मुझसे हर फोन पे यही पूछती है कि वापस कब आ रहे हो। तो तुम अपनी बीवी को साथ लाते ना, वो यहीं की रहने वाली है ना? अरे नहीं खबर भाई, वो अमेरिकन है, और हम लोग तो पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान के सारे मसाइल अच्छी तरह से पता है और हम झेल भी सकते हैं। उसके लिए तो यहाँ का ट्रैफिक ही काफी है। तो बेचारी परेशान हो जाती है यहाँ कर। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब खबर, मेरे पास तलाल की बीवी और बच्चों की तस्वीरें, दिखाऊंगी आपको। बहुत प्यारे से दो बच्चे हैं इसके। बिल्कुल दिखाना, लेकिन तलाल एक आध दिन तो रुक जाओ। मतलब नहीं खबर भाई, अभी नहीं, मैं आऊंगा वापस 6-8 महीने में, फिर इंशाल्लाह आप लोगों के पास ही ठहरूंगा। अब खबर भाई मैं अब चलता हूँ, होटल जाकर पैकिंग भी करनी है। चीज़ चाहिए हो तो मुझे जरूर बताइएगा।
Thanks, Talal. You're most welcome. Thank you so much. Take care. वापस चला जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ करके जाना चाहता हूं। इतना हक तो मुझे होना चाहिए। आपने तो हमेशा ही बहुत कुछ किया है, लेकिन बदले में मैंने आपको क्या दिया है? जो हो गया सो हो गया। जब ये उसे हम सही तो नहीं कर सकते। सुने, तुम उनकी मां हो ना। ये सब तुम्हारा ही तो था जवेरिया, तुम्हारा घर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा शौहर। लेकिन तुमने कभी किसी को अपना नहीं समझा। ठुकरा दिया हर उस चीज को जो तुम्हारे लिए बनाई गई थी। देखो जवेरिया, आज कितनी अकेली हो गई हो। मैंने तो तुम्हारे लिए कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा किया था मैंने, लेकिन ये क्या कर लिया तुमने अपनी जिंदगी के साथ? क्या कर लिया? दीदी को अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हैं? आपको पता है, उन्होंने तो आपको अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया था, और आप उनका सब कुछ बर्बाद करके जा रहे हैं। हाँ भैया, दीदी ने उस दिन कितनी तैयारी की थी आपको सिर्फ ये खुशखबरी देने के लिए कि उन्होंने दुनिया के सारे रीति रिवाज, सारे बंधन तोड़ दिए और वो अब आपकी होना चाहती हैं, और आप
उनका दिल अपने पैरों तले रौंद के जा रहे हैं। अजीब बात है लज्जो, तुम्हारी दीदी मेरे साथ भी ज्यादा दिन नहीं रह सकेंगे। क्यों, ऐसी क्या बात दिल में छुपाए बैठे हैं आप? मैं तुझे बिल्कुल अपनी छोटी बहनों जैसा समझता हूं, तुझसे कोई बात छुपा नहीं सकता, क्योंकि मैं से ऐसा लगता है जैसे तू ही है जो मेरी बात को समझ सकती है। लज्जो, डॉक्टर्स कहते हैं कि मुझे ब्लड कैंसर हो गया। क्या? ATV, सारे रंग हमारे।